नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, जिंदगी को मिलेगा एक नया मोड़। जी हाँ, बहुत बड़ा उलटफेर होगा दोस्तों। ग्रह गोचर के आधार पर सटीक जानकारी देने वाला हूँ, इसे अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस समय आपके व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व सभी अन्य क्षेत्रों में क्या असर देखने को मिलेगा, क्या वह नकारात्मक होंगे या सकारात्मक, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जय सूर्यदेव लिखेगा, उन्हें भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय दूसरों से मदद की उम्मीद ना रखते हुए अपने फैसले को ही तवज्जो दें। हालांकि प्रतिष्ठित लोगों से मिलना जुलना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा तथा कुछ नई बातों को भी सीखने को मिलेंगे। इस समय भाग्य आपको हर परिस्थिति से आसानी से जूझने की शक्ति प्रदान कर रही है। इसके उपरांत अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय अतिरिक्त व्यस्तता की बने रहने से आपके खुद के कार्य अधूरे रह सकती हैं। सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लेने की बजाय उन्हें बांटना सीखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत बच्चों की समस्याओं को डांट फटकार की बजाय शांति से निपटने का प्रयत्न करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी काम के अचानक बन जाने से आप विजय हासिल करने जैसी खुशी महसूस करेंगे तथा कुछ समय नई क्रियाकलापों में और ज्ञानवर्धक बातों को सीखने में समय व्यतीत होगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा अशुभ समाचार मिल सकता है और इस वजह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्थगित करने पड़ सकती हैं, और किसी की सलाह का अनुसरण करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत घर में नवीकरण या रख रखाव संबंधी कार्यों की योजनाएं बनाएंगे, इससे किसी खास संबंधी समस्या का समाधान निकालने में आपका प्रयास सफल रहेगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने के लिए प्रयासरत रहें, सफलता आपको मिल सकती है, और यह समय धार्मिक समस्याओं के लिए आपका योगदान रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय फिजूल खर्ची तथा दूसरों की गतिविधियों में रुचि ना लेने से परहेज करना होगा तथा आवश्यक खर्चों की ही प्राथमिकता दें। फिजूल की खर्चों पर अभी आपको विराम लगाना होगा और अति आत्मविश्वास और ईगो आ जाने से आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं या अधूरे रह सकते हैं। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने से आपको सफलता हासिल हो सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ मांगलिक उत्सव में जाने का अवसर आमंत्रण मिल सकता है। इसके उपरांत प्रवृत्ति आपको कोई बेहतरीन मौका देने वाली है। इस समय उचित समय का भरपूर सदुपयोग करें। नेगेटिव किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय अहम और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी गतिविधियों को कहासुनी होने की आशंका लग रही है। देखिए, संतान के कैरियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, इससे संबंधित किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। कई बार ज़्यादा सोच विचार करने से आपके हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि निकल भी जाती है। इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई मौका आए तो आप ज़्यादा सोच विचार या फिर समय ना लगाएं, अन्यथा वह मौका आपके हाथ से निकल सकती है। इसके उपरांत अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय बिजनेस संबंधित किसी भी मीटिंग में भावनाओं की वजह से प्रैक्टिकल होकर वार्तालाप करें, इससे आपके फैसला आसानी से ले पाएंगे। निवेश के समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, और किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यावसायिक स्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच आपका प्रभाव और दबदबा बना रहेगा। व्यावसायिक बाधाएं काफ़ी हद तक दूर होंगी और आर्थिक मंदी की वजह से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय फिजूल खर्ची तथा दूसरों की गतिविधियों में ज़्यादा समय आपको समय नहीं देना होगा। देखिए, व्यापारी संबंधित ज़्यादा समाचार जो है प्रचार करना भी फायदेमंद रहेगा। नए संपर्क भी स्थापित होंगे। फाइनेंस संबंधित मामलों में किसी भी तरह का समझौता ना करें और ना ही किसी पर भरोसा करें। ऑफिस में आपकी कार्य प्रणाली उत्तम बनी रहेगी, लेकिन कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकती हैं। व्यस्तता की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। फोन से गतिविधियाँ चलती रहेगी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अभी आप संभाल कर रखें। किसी प्रकार की देखिए इंक्वायरी या फिर जांच पड़ताल हो सकता है। ऑफिस में आपके कार्य निश्चित समय पर पूरे हो जाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस में नए काम की शुरुआत ना करें। कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई है तो जल्दी निकलवाने की आप कोशिश करें, वरना आपकी जो है पेमेंट फंस सकती है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी बात विवाद पर स्थिति बन जाए तो उसमें आपको शांतिपूर्वक होकर सुलझाने का प्रयास करना होगा। इससे आपकी कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर की व्यस्तता सामंजस्यपूर्ण बनी रहेगी तथा परिवार के साथ मनोरंजन और लॉन्ग ड्राइव का भी प्रोग्राम बन सकता है। आपके लिए बेहतर यही होगा, एक दूसरे के साथ घर में या फिर माता पिता के साथ आप कुछ समय अधिक से अधिक समय व्यतीत करना आपको खुशी देगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय घर का माहौल सुखद बना रहेगा। अफेयर के मामले में सावधान रहें, आपकी बातें बाहर आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरों की आलोचना करने से आपको इस समय नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सेहत यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय अनियमित खान पान की वजह से पेट में गड़बड़ी महसूस होगी। तली भुनी तथा वादी प्रवृत्ति के चीज़ों से आपको इस समय परहेज करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग नीला कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 2 है। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा जय माता दी। दोस्तों, आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।